आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भीमा कोरेगांव की हिंसा के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों को 6 सितंबर तक जेल नहीं भेजा जाए बल्कि उन्हें घर में नजरबंद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ क्या आरोप हैं। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असहमति का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वॉल्व है। अगर असहमति की अनुमति नहीं होगी तो ये प्रेशर कुकर की तरह फट भी सकता है। इस केस की अगली सुनवाई अगले थर्सडे यानी एक हफ्ते में होगी। इस बीच में सरकारों को अपना जवाब देना है। पुणे पुलिस ने कल देश के अलग अलग शहरों में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली से गौतम नवलखा, फरीदाबाद से सुधा भारद्वाज, ठाणे से अरुण फरेरा, मुंबई से वेर्नन गुंजाल्विस और हैदराबाद से वरवरा राव को गिरफ्तार किया गया, जबकि रांची से फादर स्टेन स्वामी को हिरासत में लिया गया। गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज हाईकोर्ट के दखल के बाद पहले से ही नजरबंद हैं। वहीं बाकी 3 आरोपियों को मंगलवार रात पुणे ले जाया गया था। पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी को सही बताया है। पुणे पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपी नक्सलियों के संपर्क में थे। पुलिस ने ये आरोप भी लगाया कि कुछ बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। They have shown intolerance to the present political system and decided to target organizations, functionaries and they even were thinking of targeting highest political functionary. महाराष्ट्र सरकार ने भी आरोपियों के खिलाफ सबूत होने का दावा किया है। जब किसी भी आदमी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पहले हम कोर्ट में जाते हैं, हमारे पास जो प्रूफ है वो कोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कस्टडी लेते हैं। अगर प्रूफ हमारे पास नहीं होते तो हमको कस्टडी कैसे मिलती। भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस की कार्रवाई का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया है। राहुल ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। आई थिंक देयर आर सर्टेन एक्शंस दैट आर बीइंग टेकन एट द नेशनल लेवल बाय द गवर्नमेंट व्हिच आर अनडेमोक्रेटिक एंड वी आर फाइटिंग दैट बैटल। द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। सीपीएम ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। बीएसपी और आरजेडी ने गिरफ्तारी की तुलना तानाशाही से की है। देश आपातकाल के तरफ नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं तेजी से। जो लेख लिखते हैं लोग, चीजों को लिखते हैं, बड़े पैमाने पर कल गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी बाकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि राहुल गांधी जी नक्सलिज्म को एनजीओ मानते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के हमले में पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए। आज दोपहर अरहमा इलाके में आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल इशफाक अहमद मीर, कांस्टेबल जावेद अहमद भट्ट, कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल मीर, एसपीओ आदिल मंजूर भट्ट शहीद हो गए। We are working on it. We'll let. Abhi, there's no immediate clue. We are working on. आज सुबह अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकी अल्ताफ अहमद डार उर्फ कचरू और उमर राशिद वानी को मार गिराया। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद 99.15% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने बताया कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के 15,418 अरब रुपए सिस्टम में थे, जिनमें से 15,311 अरब रुपए बैंकिंग सिस्टम में लौट आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 के अंत तक सिस्टम में 18,037 अरब रुपए सर्कुलेशन में थे। कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी के तुगलकी फरमान से करोड़ों लोगों का रोजगार गया, जीडीपी में गिरावट आई, एटीएम और बैंकों की लाइन में खड़े कई लोगों की मौत हुई। कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। तुगलकी फरमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चल रहा है। रत्ती भरी भी नैतिकता होती तो अपने पद से इस्तीफा देते। बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए यूपीए की अर्थ नीति पर सवाल उठाया और नोटबंदी के फायदे गिनाए। 18 लाख अकाउंट्स उस समय स्क्रूटनी के अंडर में आई। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में
net collection of direct taxes increased by 18% at a record of 10.03 lakh crore. मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का गठन किया है। शिवपाल यादव ने कहा, इस मोर्चे के जरिए वो पार्टी में उपेक्षित लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जब मैंने देखा कि सबकी उपेक्षा हो रही है, जो वर्कर हैं, अच्छे वर्कर हैं, तो उनके लिए मैंने एक समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाया है और फिर इसी के माध्यम से अपना संगठन मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, फिलहाल मैं अपनी पार्टी मजबूत करने में लगा हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी पार्टी का संगठन ठीक कर रहा हूँ और मैंने आपसे कहा कि हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर दें उत्तर प्रदेश में और देश में कम हो। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। सातवें वेतन आयोग में तय किए गए फॉर्मूले के हिसाब से केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को फिलहाल 7% महंगाई भत्ता मिलता है। बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 9% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार के फैसले का फायदा करीब 48 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशन धारकों को होगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने से सरकार के खजाने पर एक साल में 6,112 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केरल का कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दोपहर को फिर से शुरू हो गया। राज्य में आई बाढ़ से कोची एयरपोर्ट को करीब 220 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद 15 अगस्त को इसे बंद कर दिया गया था। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने आज रात तक 30 फ्लाइट्स के उड़ान भरने और 33 फ्लाइट्स की लैंडिंग की बात कही है। केरल में 100 साल में आई सबसे बड़ी बाढ़ में 2 मई के बाद से 474 लोगों की मौत हुई है।